भाई साहब के लिए दुआ करें फिर से मुख्यमंत्री बन गए हमारे। अपने राजनीतिक बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों खरगोन और बुरहानपुर के दौरे पर निमाड़ क्षेत्र में हैं, जहां वो ये कहते नजर आए कि अब किसी युवा को मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। इस दौरान उनके साथ अरुण यादव भी मौजूद रहे। उनके इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं और एक बार फिर इस बात को हवा मिल रही है कि क्या दिग्विजय सिंह कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। एक बार फिर सुनिए दिग्विजय सिंह का वो बयान। भाई साहब के लिए दुआ करें फिर से मुख्यमंत्री बन गए हमारे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को खांडवा जिले के ग्राम भोजी खेड़ी में कुछ ग्रामीणों ने दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच जब दिग्विजय सिंह जब दरगाह पर चादर चढ़ाकर निकलने लगे तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि प्रदेश के राजा साहब के लिए दुआ करें कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, जिस पर दिग्विजय सिंह कहते नजर आए कि अब किसी युवा को मौका मिलना चाहिए जो हमारे साथ हैं। तभी सभी ठहाके लगाने लगे और अरुण यादव भी हंसते नजर आए। दिग्विजय सिंह का ये बयान कहीं न कहीं इस बात को बल देता है कि क्या वे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं। ये सवाल अब इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों जब दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज से मिलने के लिए धरने पर बैठे थे तो शिवराज ने उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब शिवराज ने मिलने का समय दिया तो दिग्विजय के साथ कमलनाथ मौजूद थे, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या कमलनाथ अब दिग्विजय सिंह के काम करवाएंगे, क्या दिग्विजय की पावर घट रही है। तो वहीं अब अरुण यादव की ओर इशारा करते हुए युवा मुख्यमंत्री वाली बात बोलकर दिग्विजय ने ये तो साफ कर दिया है कि प्रदेश में कोई सीनियर सीएम नहीं बनेगा, अब सीनियर तो कमलनाथ ही हैं। तो फिर दिग्विजय के बयान को क्या समझा जाए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच इन दिनों अनबन किसी से छुपी नहीं है। दोनों ही दिग्गज नेता अपने अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच दिग्विजय सिंह का ये बयान अब किसी युवा को मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दिया जाना चाहिए, इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। इस बयान को सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब अरुण यादव के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने ये बयान दिया था उस समय उनके साथ अरुण यादव भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अब किसी युवा को मुख्यमंत्री के तौर पर मौका देना चाहिए जो इस समय उनके साथ हैं। पंजाब केसरी के लिए खांडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।